जहां पर हल्द्वानी विजिलेंस की टीम ने नैनीताल में कार्रवाई करते हुए जीएसटी कार्यालय में तैनात बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर बाबू दीपक मेहता 3,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था और इसके अलावा राज्य कर अधिकारी उमेद सिंह के गिरफ्तार होने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल विजिलेंस टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी किए गए नंबर पर शिकायत मिली थी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर राज्य कर विभाग के बाबू दीपक मेहता द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी पुष्टि की गई है, तो मामला सही पाया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक शिकायतकर्ता ने जो विजिलेंस का 1064 ऐप है उसमें और हमारे हल्द्वानी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि हाँ, इनका काम रोका हुआ है और इनसे रिश्वत की मांग की गई है। इसी जाँच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टीम ने जो विजिलेंस की टीम थी उसके द्वारा राज्य कर विभाग के कर्मचारी दीपक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 3,000 रुपये के साथ ही, और साथ ही इनके जो सम्मिलित अधिकारी हैं उनके संदर्भ में भी जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ भी साक्ष्य पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी।